राष्ट्रहित में ये जरूरी है कि किसानों मजदूरों की मांगों पर सरकार गौर करे और उसकी मदद करे। राष्ट्रहित में बात उस बयान की जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश से आ रही है। असल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने राष्ट्र को बांटने वाले दो संविधान को गलत करार दिया। द थिंग वॉज दैट टू मेक ए सॉवरेन स्टेट इन विच देयर वॉज the sovereignty of the people was established through a constitution which is applicable to the whole of it, probably with Jammu and Kashmir where the constitution was with some in a truncated form was this thing and the another constitution of the JNK continued to exist. असल में अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35A को खत्म करने की मांग हो रही है। अब इन सब के बीच NSA अजीत डोवाल ने जब ये बयान दिया तो बवाल खड़ा हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों पे उंगली उठा रहे हैं, ये शर्म की बात है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज मरकजी सरकार में भी नहीं, सारे रियासती सरकारों में भी अवामी सरकारें कायम हैं और अजीत डोवाल साहब भी उस अवामी सरकार का एक जुज है, इंतज़ामिया का एक जुज है। वो अपने ही आईन बनाने वालों पे उंगली उठाता है और हकारत से बात करता है। देखिए ये नई बात नहीं है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जब है 1950 में हमने संविधान बनाया, भारत का संविधान बनाया, तो उसमें जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया था। जम्मू कश्मीर को बाकी रियासतों की तरह 575-77 रियासतों की तरह जुड़ा नहीं गया था। हैदराबाद और जूनागढ़ के राजाओं ने भारत से विलय नहीं किया था। मुझे लगता है इतने बड़े ओहदे पर जो उनकी जिम्मेवारी है, ये बहुत ही एक गैर जिम्मेवाराना बयान है। और मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है जो आईन की जो शिक यहाँ पर 370 और 35A को लेकर है, शायद इस बारे में या तो उनको कोई गलत फहमी है या बायस लगता है। नहीं, सही है उस मामले में जो उन्होंने कहा है कि वो थोड़ा एक त्रुटि थी, पर देखा जाए कि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने ऐसे हालत पैदा किए जिसमें अगर सरदार पटेल ना होते तो इस किस्म से जो जोड़ा गया बाकी स्टेट्स को वैसे नहीं।